फिर ये गई अपने ससुराल, ससुराल में जाके बेड के ऊपर बैठी। दूल्हा आया कमरे में, दूल्हे ने इसका घूंघट उठाया। ये तब तक मुंह धो चुकी थी जब इसके दूल्हे ने इसको देखा। किस तरह से उसकी चीखें निकली, महानूर घूंघट उठाओ। घर है, घर तक उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, छोड़ा नहीं था उसने। आगे आगे सुनो जरा। इसको शर्म भी नहीं आई मेरी गोदी में आके बैठ के, अभी सारे लोग देख रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, आप टीवी से, मैं हूं फैसल खान सूरी। आज की स्टोरी उन नौजवानों के लिए है जो सर्दी में शादी करवाना चाह रहे हैं, लेकिन वो देखते नहीं हैं कि लड़की कौन है, कैसी है, कहां से आई है, उसके पेरेंट्स उसकी शादी कहां पे कर रहे हैं। मेरे साथ महनूर मौजूद हैं, इनके साथ बहुत अफसोसनाक वाक्या पेश आया, दर्दनाक वाक्या पेश आया, होलनाक वाक्या पेश आया। आप अपने दिलों पे हाथ रख लें, हो सकता है आपको हार्ट अटैक आ जाए। महनूर की शादी हुई, किस तरह से हुई ये अहम बात है। महनूर के घर वालों ने समझा ये लड़की है, घर वालों ने रिश्ता तय किया। लड़के वाले ने देखा कि महनूर बहुत प्यारी है, देखिएगा। फिर उसके बाद घर वालों ने इसकी रुखसती कर दी। फिर ये गई अपने ससुराल, ससुराल में जाके बेड के ऊपर बैठी। दूल्हा आया कमरे में, दूल्हे ने इसका घूंघट उठाया। ये तब तक मुंह धो चुकी थी जब इसके दूल्हे ने इसको देखा। किस तरह से उसकी चीखें निकली, आपकी भी चीखें निकलवाते हैं। महनूर घूंघट उठाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। महनूर, ये सारा वाक्या क्या हुआ, माँ बाप ने कहाँ रिश्ता किया था? मेरे माँ बाप मुझे समझते थे मैं लड़की हूँ। अच्छा। उन्होंने फुल लड़की समझा हुआ था। आप डायनासोर थे? हाँ, डायनासोर। और उन्होंने मेरा रिश्ता देखा। अच्छा। तय कर दिया। जब मेरी शादी होगी, रुखसती होगी, मैं गई। रिश्ता कहाँ पे देखा था? फूफो के घर, खाला के घर? खाला के घर देखा था। तो उन्होंने मेरी शादी कर दी। जब मैं स्टेज पे बैठी हुई थी, दुल्हन बन के तैयार होकर बैठी, मैं इंतजार करती, दूल्हा कहीं बाहर गया हुआ था, वो लेट आया। सबको लग रहा था कि आप लड़की हो। हाँ, लड़की हूँ। सबने देखा आप लड़की हो? हाँ, सबने देखा। सबको जाहिर हुआ आप लड़की हो? लड़की हूँ। सबको साबित करवाया आपने कि आप लड़की हो? हाँ, मैं लड़की हूँ। मैं स्टेज पे बैठी थी, दूल्हे आए, दूल्हा साहब आए, मेरा हाथ पकड़ा, मुझे स्टेज पे बिठाया, कुछ बातें शातें की। फिर रुखसती के टाइम क्या हुआ? हमारी रुखसती हुई, हम कार में बैठे, दूल्हे ने मेरे हाथ में हाथ डाला। हाथ में हाथ डाल लिया? डाल लिया। उसने मेरे हाथ को ऐसे दबाया। फिर क्या हुआ? हाय। मैंने उनको कहा मना किया, नहीं अभी, अभी नहीं, अभी नहीं। अच्छा। हम रूम पे जा रहे। अच्छा। तो वो कहते मुझे अच्छे लग रहे हैं आपके हाथ, प्यारे हैं बहुत, नरम नरम। अच्छा, सर्दी थी? सर्दी थी। हाँ। तो मुझे ठंड लग रही थी, मैं ऐसे से कांप रही थी। अच्छा। तो उसने मेरे कंधे पे हाथ रख लिया। अच्छा। तो मुझे ऐसे अपनी तरफ से खींच लिया। मैंने कहा सारे देख रहे हैं अभी, तो ऐसा ना कर। अच्छा। तो कहता क्या अब हमारा निकाह हो गया है? हमें किसी डर नहीं। मैंने कहा निकाह हो गया, थोड़ी सी एहतियात तो करनी चाहिए ना। अम्मी अबू बैठे हैं, सारे बैठे हैं, बहन भाई, उनके सामने थोड़ी हमने बातें करनी है। कार में बैठे थे, बस में बैठे हुए? कार में बैठे हुए थे। कार में सारे बैठ गए तो जाहिर बात है, इधर उसकी सिस्टर बैठी हुई थी मेरे साथ। अच्छा। तो आगे अम्मी बैठी हुई थी। अच्छा। तो इस तरह, तो फिर उसने कहा चलो ठीक है। हाथ उसने मेरा वैसे ही पकड़ा हुआ था, हाथ नहीं छोड़ा। हम आए घर में, जैसे सिर्फ मतलब उसके हाथ में हाथ ही आया आपका? हाँ, फिलहाल हाथ ही। अच्छा। अच्छा, उसने मुझे हाथ पकड़ा, घर है, घर तक उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, छोड़ा नहीं था। अच्छा। उसने आगे आगे सुनो जरा। अच्छा। हाथ उसने मुझे छोड़ा नहीं मेरा। तो जब मैं ऐसे से करूँ, वो कहते नहीं कुछ नहीं होता। मैंने कहा अब सारे लोग मेहमान इकट्ठे हुए हैं, हम घर जा रहे हैं। तो हम थोड़ी थोड़ी बातें करते थे, मतलब आस्ता आस्ता, स्लो स्लो, किसी को महसूस नहीं होता था। तो उसने कहा नहीं, मैंने पकड़ा है, अब पकड़े ही रखूँगा। अच्छा। मैंने फिर उसको कहा भी अब छोड़ना नहीं आपने। उसने कहा मैं मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा वादा, कहता वादा, तुम्हारे हाथ में हाथ है ना। तो मैंने वादा खा लिया। मैंने कहा ठीक है, फिर मुकरना नहीं। कहता ठीक है। जब वो सारे मेहमान आए, हम अंदर चले गए रूम में। जब घर आए, फिर गोडा पकड़ाई हुई? हाँ, गोडा पकड़ाई हुई। उसका छोटा भाई था, उसने ना आके ना मेरी गोदी में बैठ गया। अच्छा। वो इतना मोटा था, मेरी गोदी, मेरे पट दर्द, मैं तंग हो रही थी। मैंने कहा आए हाय
क्या मेरे ऊपर गधा ही बैठा दिया आप लोगों ने, जोटा ही बैठा दिया। तो वो उन्होंने कहा मैं जब जब मैं, जब उस आपका देवर बैठा आपकी गोद में, सिर्फ वही बैठा? हाँ वही बैठा। तो वो मैंने मैंने अपने उसके ऐसे किया, मैंने कहा इसको उठाओ। वो कहता कुछ नहीं आप ऐसे नहीं उठेगा, वो पैसे देने। तब भी सिर्फ देवर ही बैठा रहा? हाँ बैठा रहा। मैंने कहा मैं कैसे बटुआ उठाऊँ, ऊपर बैठ गया, मेरे पास तो पर्स भी नीचे पड़ा है, मैं कैसे उठा के दूँ। उसने कहा कैसे, फिर मैंने उसको थोड़ा सा धक्का लगाया, ऐसे किया, मैंने कहा थोड़ा सा ऊपर होना। मैंने नीचे से पर्स निकाला, पर्स निकाल से मैंने ना पहले मैंने 100 रुपये निकाल के दिए। वो कहता है ये क्या, जो मम्मी जी हैं मेरी सांस। उन्होंने कहा बेटा ऐसे रस्म में थोड़ी, 100 रुपये तो बच्चा भी ले लेता। मैंने कहा ये ऊपर आप क्यों बैठाया आप लोगों ने। कहते बेटा आपको नहीं पता रस्म होती है। मैंने कहा ये कैसी रस्म, मैं तो पहली दफ़ा देख रही हूँ। कहते मैंने कहा इसको शर्म भी नहीं आई, मेरी गोदी में आके बैठ गया, अभी सारे लोग देख रहे हैं। उसने कहा बेटा आपका छोटा देवर है, इसने बैठना है, ये मतलब कि रस्म होती है। मैंने कहा मैंने तो कभी नहीं देखी। आपने कहा नहीं छोटा बैठा हुआ है देवर, देवर छोटा। मुझे कुछ कुछ हो रहा था तो मैंने कहा अच्छा। तो जब मैंने उसको, उसने कहा, मैंने कहा ठीक है, फिर उसने उसको मैंने ऐसे कहा, उसने कहा 5,000। मैंने समझा वो कह रहा है 500। मैंने फिर 500 निकाला। कहाँ से निकाला? पर्स से। अच्छा। तो मेरे पास था ही पूरा 5,000। कैसा? तो जब मैंने पर्स देखा, मैंने कहा 5,000 तो मैं क्या लूँगी, सारे पैसे तो मैं इसको दे दूँ। फिर उसने कहा 5,000। मैंने उसको कहा आप दे दें। उसने कहा नहीं मेरे पास नहीं, आप नहीं देने, आपकी गोदी में बैठा, मेरी गोदी में नहीं बैठा। मैंने कहा मैंने कोई जुर्म कर लिया, मैंने कोई गुनाह कर लिया, मेरी गोदी में बैठा दिया आप लोगों ने। फिर 5,000 दे दिया। फिर क्या, मैंने सारा पर्स ऐसे खाली करके उसकी झोली में डाल दिया। मैंने कहा ये ले जा, पर्स भी ले जा साथ। मैंने उसको पर्स भी दे दिया। उसके बाद मैंने कहा मैंने उसको कहा, मैंने कहा मैं आपको रात से ये 5,000 दिए ना, मैं 10,000 आपसे लूँगी। तो उसने कहा मैं दे दूँगा आप दे दें। फिर कमरे में चले, फिर हम कमरे में चले गए। मुझे यहाँ पर खारिश हो रही थी, मैंने कहा मुझे कुछ नहीं हो रही थी, मतलब मेकअप जेवर डाले हुए थे, चूड़ियाँ डाली हुई थी सारा। मैंने कहा क्यों ना मैं दूसरा ड्रेस चेंज कर लूँ, तंग हो रही थी। मैं अंदर गई तो मुझे, मैंने ना यहाँ पे बाल शाल लग रहे थे, मुझे दाढ़ी निकल आई मेरी। एक रात एक दिन पूरा हो गया, सुबह की तो तैयार हुई थी तो अभी तक वो दाढ़ी निकल आई। फिर मैंने ना हाथ मारा तो मैंने ऐसे ना हाथ मुंह धो दिया, फेस धो दिया। मैं खुद सच पूछ, मैं खुद डर गई थी देख के आईने में। मैं क्यों फल्ला, चल ठीक है। मैंने कहा अब लाइट बंद होगी, उसने क्या देखना। मैं अंदर आके फिर बैठ गई, लेट गई। उसने यकदम ना आवाज़ आई, दरवाज़ा खड़क सामने आया। मैं जल्दी जल्दी उठ के ना मैंने घूंघट कर लिया ऊपर। तो जब उसने आके ना पहले ऐसे सिस किया, मैं ऐसे सी हुई, उसने मेरा हाथ पकड़ा। मैंने भी उसका ऐसे हाथ दबा लिया। तो मैं जब डरू, मैंने कहा इसने मुझे मेकअप बगैर देख लिया, मेरे बाल निकले हुए हैं तो ये क्या सोचेगा कि वो तो लड़की थी। अच्छा तो जब मैंने ऐसे किया ना, वो ऐसे घूंघट को हाथ मर मैं ऐसे कर लूँ, फिर यकदम उसने ऐसे घूंघट खोला तो जब मुझे देखा ऊपर भी देख लो आप। ऐसे उसकी चीखे निकल गई तो वो आगे भागा, तो पीछे पीछे मैं उसके ऐसे पकड़ी लिपट गई। ऑडियंस की भी चीखे निकल गई, मैं उसके पीछे पीछे भागती। वो कह रहे मुझे छोड़ो, मेरे कमरे में चुड़ैल आ गई, मेरे कमरे में चुड़ैल। मैंने कहा चुड़ैल नहीं, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारी बेगम, तुम्हारे साथ मेरा निकाह हुआ है। वो कहता तुम्हारे साथ नहीं हुआ, आपने साथ आपने मेरे साथ फ्रॉड किया। वो लड़की कहाँ जिसके साथ मेरा ब्याह हो। मैंने कहा मरने व्यक्ति से मेरे वही हाथ ने मेरे जड़े। कहना तू हथा तो बड़ी सोहनी लाग दी, सदर मुंह नु तेरा की हो गया। तो आपके घर वालों को नहीं पता था कि आप ख्वाजा सराओ? नहीं, उनको नहीं पता था। तो अगर आप दोनों, मैंने उनको कहा हम आगे एक दूसरे में एंटर कर सकते हैं, हम किसी को नहीं बताएंगे, हमारे बच्चे भी हो सकते हैं, हमारा सर कुछ हो सकता है, हम बच्चे जरूरी नहीं निकलने का सकते। मैंने उनको ये मशवरा दिया, हम जब यतीम खाने से बच्चे जो लेके आके पालेंगे, हम कहेंगे हमारा, जब मुझे बच्चा आप कहेंगे ना बच्चा मैं कहीं 9 महीने में अपने घर वालों के पास कहीं दूर चली जाया करूँ कि बाहर चली जाया करूँ, जब बच्चा हो गया उसको वापस आ गई करके। ये उनके लिए था जो सर्दियों में शादी करवाते। प्लीज देख लिया करें कि क्या
इसी के साथ इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।